जय सच्चिदानंद हरे राम जी मंत्र बुलाओ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वसायाणम। नमो वसायाणम। नमो लोए सव साहुणम। नमो लोए सव साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सव पाव पणासनो। सव पाव पणासनो। मंगलाणम च सौवेसिम। मंगलाणम च सौवेसिम। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु। हे श्री दादा भगवान। हे श्री दादा भगवान। मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक। मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग में बैठने की। सत्संग में बैठने की। सत्संग सुनने की। सत्संग सुनने की। सत्संग समझने की। सत्संग समझने की। परम शक्ति दे। परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म। मैं भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म। काया मन वचन काया। मन वचन काया। मन वचन काया। मेरे और मेरे नाम की सर्व माया। मेरे और मेरे नाम की सर्व माया। आप प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु के। आप प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु के। सुचरणों में समर्पित करता हूँ। सुचरणों में समर्पित करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा 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 हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सभी महात्माओं को जय सच्चिदानंद। भरत भाई साहब फिर प्रश्न बाद में लेते हैं, पहले पद सुन लेते हैं। भरत भाई एक और कविराज श्री का एक पद है जो वे अनुवाद करके लाए हैं, वो हम वो गाएंगे हम सुनेंगे। हाँ एक मिनट। ओके भरत भाई साहब। यस सर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दादा का गीत मुझे गाना है। दादा का गीत मुझे गाना है। प्रेम का अमृत पिलाना है। दादा का गीत मुझे गाना है। दादा भजन की रट मुझे लग गई। दादा भजन की रट मुझे लग गई। भक्ति रस में नहाना है। दादा का गीत मुझे गाना है। भव सागर में नैया मेरी डोले।
भव सागर में नैया मेरी डोले, दूजे किनारे मुझे जाना है, दादा का गीत मुझे गाना है। जीवन मेरा व्यर्थ बना है, जीवन मेरा व्यर्थ बना है, दादा चरण में रहना है, दादा का गीत मुझे गाना है। दादा तुम्हारी आज्ञा में रह कर, दादा तुम्हारी आज्ञा में रह कर, ज्ञानामृत मुझे पीना है, दादा का गीत मुझे गाना है। दादा वितरागी की दीक्षा पाकर, दादा वितरागी की दीक्षा पाकर, दादा जैसा मुझको होना है, दादा का गीत मुझे गाना है, दादा का गीत मुझे गाना है, दादा जैसा मुझको होना है, दादा जैसा मुझको होना है, दादा का गीत मुझे गाना है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अपने योगेशानंद जी जब ये पद गाते थे गुजराती में, दादा जैसा मुझको होना है, दादा जैसा मुझको होना है, दादा जैसा मुझको होना है, ऐसे करके गाते थे। बहुत बहुत धन्यवाद भरत भाई साहब। जय सच्चिदानंद। आरव को आज एक और प्रश्न समस्या लेके आए हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं। आरव जी आप बात कर सकते हैं, बोलिए बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, जो भी जिस भी जाने को केवल ज्ञान हो जाता है, वह उसी भव में मोक्ष चला जाता है। पूरा 360 डिग्री केवल ज्ञान हो जाता है। कृष्ण भगवान को पूरा तीन, जिस भी जीव को पहले मतलब 360 डिग्री केवल ज्ञान हो जाता है, वो सीधा मोक्ष जाता है। तो कृष्ण भगवान को तो पूरा 360 डिग्री केवल ज्ञान हो गया था, वो मोक्ष क्यों नहीं गए? किसने बताया ये सब आपको? क्या ये सब किसने बताया? महाभारत देख रहा हूँ तो उसके अंदर उनको केवल ज्ञान हो चुका है, वो मतलब उनको आग का पता पड़ जाता है तो केवल ज्ञान हो जाए, और उन्होंने अर्जुन को भी केवल ज्ञान मतलब आत्मा की दृष्टि दी, फिर उनको भी केवल ज्ञान हुआ। ये सब जान के आपको क्या फायदा होगा? फायदा तो कुछ नहीं होगा। तो ये जो अभी अपने को जो समझने का है, तो कृष्ण भगवान का समझने का है कि आपका समझने का है? मैं वही कृष्ण भगवान मैं हूँ, वही कृष्ण भगवान है, मैं हूँ वही शिव भगवान है, मैं हूँ वही महावीर स्वामी है। वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का है, कृष्ण भगवान का प्रॉब्लम सॉल्व करने का है? कृष्ण भगवान आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने का है, करना है तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो आपके क्वेश्चन करने का। आरव, आरव है ना नाम? जी स्वामी जी। हाँ, तो ये आरव का जो भी प्रॉब्लम है वो प्रश्न करने का है। जैसे आप दादी जी है उनके क्वेश्चन करेंगे तो भी आपको काम में नहीं लगेंगे, दादाजी के क्वेश्चन करेंगे तो भी काम में नहीं लगेंगे, पापा के क्वेश्चन करेंगे तो भी काम में नहीं लगेगा, मम्मी के क्वेश्चन भी काम में नहीं लगेंगे। सिर्फ आरव के जो भी प्रॉब्लम है वो आप क्वेश्चन करोगे तो ही काम में लगेगा। स्वामी जी मेरा एक और प्रश्न है। मतलब जब हम देव गति में जाते हैं तो वहाँ की एज तो बहुत ज्यादा होती है, हजार हजार साल, और वहाँ पे केवल सुख भोगने के लिए जाते हैं, तो फिर वहाँ पे तो
वो भी तो एक तरह से मोक्ष हो गया, केवल जन्म मरण से छूटना है ना, वहां पे उनको तो सब ऐश आराम है, सब सुख ही सुख है, तो वो भी तो एक तरह से मोक्ष ही हो गया। ये सब कौन बताता है ये सब मोक्ष हो गया ये सब? कुछ तो समझ लेता है स्वामी। आरोप कैसा है, ये मोक्ष नहीं है, ये जिस तरह से आप है ना, वो मनुष्य गति है, उसी तरह वो देव गति है। आप जो मनुष्य गति है उसमें भी आयुष्य है, समझ में आया, 80 साल 100 साल पहले के समय में उससे भी ज्यादा टाइम था कि भाई 150-200 साल जीते थे, समझ में आया। तो हर समय के अनुसार मनुष्य का आयुष्य कर्म होता है, उसके हिसाब से वो मनुष्य भाव में रहेगा। उसी तरह से देवगति में भी उसका आयुष्य है, जहाँ पे भी गए हैं वहां का आयुष्य कर्म जितना है उसका, वहां तक वो रहेंगे और भुगतेंगे, मोक्ष नहीं है। मतलब आप मोक्ष को क्या समझते हो बताओ मेरे को? मोक्ष पे अपन केवल दीपक की ज्योत जैसे विराजमान होते हैं, हम केवल देखते और जानते हैं। नहीं, मोक्ष क्या बताया आपने? हम दीपक की ज्योत की तरह वहाँ पे होते हैं और संसार देखते और जानते हैं। नहीं, अब समझ लो मोक्ष मतलब क्या है, सन बराबर। तो मोक्ष का मतलब क्या है कि मुक्ति, क्या है जी? मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति। हाँ, मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति तो बराबर है, लेकिन उसके पहले जो आरव है, तो आरव को सबसे ज्यादा दुख कौन देता है? शरीर खुद नहीं, आरव को सबसे ज्यादा उसको दुख कौन देता है? आरव को सबसे ज्यादा दुख तो कुछ शरीर देता है, उसके लग जाती है तो उसको दुख होता है, उसको उसको कोई भी डांटता है तो उसको दुख होता है। हाँ, डांटता है तो दुख होता है ना जी। तो ये दुख कौन देता है? तो वो जो डांटने वाला है वो दुख नहीं देता है। आरव की जो भी गलतियां है जी, वो आरव को दुख देती है जी। समझ में आया जी? तो मोक्ष किसको कहते हैं कि आरव की जितनी भी गलतियां है वो सब गलतियां निकल गई, फिर उसको कोई परेशान करने वाला है नहीं। समझ में आया? तो क्या आप कैसे हो जाओगे, सब गलतियां निकल जाएगी तो जैसे सिमंदर स्वामी भगवान है वैसे हो जाओगे, दादा भगवान है वैसे हो जाओगे, किन कब हो जाओगे? तो कि जितनी भी गलतियां है वो निकल जाएगी। क्या कह रहे जी? जहां तक तुम अपने में गलतियां है वहां तक क्या होता है कि कोई भी अपने को कुछ भी बोलता है तो उसकी उसका दुख होता है। दुख होता है कि नहीं होता है? आ रहा हो स्वामी जी? आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आई जी। तो फिर जो आरव को जो दुख देता है तो कौन दुख देता है? कि उसकी गलतियां दुख देती है। तो गलतियों गलतियां से मुक्त हो जाए तो उसको मोक्ष कहते हैं। गलतियां जब निकल जाती है तो सिमंदर स्वामी भगवान जैसे है, जैसे दादा भगवान है वैसे अपन बन जाते हैं। लेकिन मतलब वहां पे कोई दुख नहीं होता। वहां पे नहीं दुख, वहां पे कोई दुख नहीं होता। मोक्ष मतलब जो चले जाते हैं वहां पे उसको कोई दुख नहीं होता। तो जो देवगति जाते हैं, देखा है? नहीं, लेकिन सुना है कि मोक्ष में केवल सुख है, वहां पे दुख नहीं। मैं आपको दिखाने की बात कर रहा हूँ, ये आप गलतियों से मुक्त, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आप गलतियों से मुक्त हो जाओगे ना, जैसे ही आप गलतियों से मुक्त हो गए तो फिर आप ये जगत में कोई भी आपका नाम लेने वाला नहीं है, आरव का आरव को पकड़ने वाला नहीं है, आरव को दुख देने वाला नहीं है। क्यों? जो आरव गलतियों से उसकी सब गलतियां निकल गई जी, समझ आया? तो वो ये वो जो मोक्ष है वो अपना देखा नहीं है, लेकिन इधर
यही भाव में आपको आपके घर में बैठे बैठे अच्छा खाते खाते अच्छा पीते पीते आपको मोक्ष का अनुभव मिलता है जी। समझ में आया? तो सबसे पहले अपने को वो मोक्ष नहीं, पहले इधर अनुभव करने का है जी। आप कोई भी दुकान में जाओगे तो सीधा माल ले लोगे कि पहले माल देखोगे? पहले माल देखूंगा। हाँ, पहले माल देखना पड़ता है फिर अपन पैसा देते हैं जी। उसी तरह से ये जो दादा भगवान ने अपने को समझ दी, सच्ची समझ दी जी, तो वो समझ से क्या होता है कि वो जो मोक्ष है वो अपना देखा नहीं है, लेकिन वो जो मोक्ष है उसका अनुभव अपने इधर ही होगा जी। समझ में आया? जिस तरह से आप कोई दुकान में जाते हो तो माल दिखाते हैं और आपको अच्छा लगता है फिर आप उसको पैसा देते हो और माल लेते हो जी, तो उसी तरह से ये जो अपने को सच्ची समझ दी है तो वो समझ से आपकी गलतियां जो है वो सब निकल जाती है जी। और गलतियां निकल जाने से आपको मोक्ष का अनुभव इधर ही होगा, अपने को वो मोक्ष की बात अभी नहीं करने की, पहले तो अपने को माल देखने का है जी। समझ आया जी स्वामी जी? हाँ, वो मोक्ष की बातें करेंगे ना तो क्या होगा कि इधर जो अनुभव करने का है वो रह जाएगा जी। तो आपको इधर अनुभव करने का है कि उसकी बातें करनी है? अनुभव करनी, इधर का अनुभव करना। हाँ, तो इधर का अनुभव क्या होगा कि जब गलतियां निकल जाएगी आपकी जी, समझा, तब आपको इधर मोक्ष का अनुभव होगा जी। समझ में आया? तो अपने को वो मोक्ष नहीं, घर अपने को इधर जीते जागते हरते फिरते घर में रहते सब कुछ करते करते मोक्ष का अनुभव होता है, वो पहले अनुभव करने के लिए क्वेश्चन करने के जी। आपको कोई दुख देता है कि नहीं देता है? देता है। कौन देता है? कभी मुझसे गड़बड़ हो जाती है तो डांटने लग जाते हैं, और कभी भी मतलब मैं थोड़ा भी गुस्सा करता हूँ तो कह देते हैं तो दिन भर गुस्सा करता है, मत कर गुस्सा। तो आपको असर होती है कि नहीं होती है? नहीं। और उसमें उसमें गलतियां किसकी लगती है? डांटते हो उसकी गलती लगती है कि खुद की गलती लगती है? पूरा जगत निर्दोष है, खुद गलत है, मेरी गलती है। हैं? मेरी गलती है। पूरा जगत, आपकी पूरा जगत निर्दोष है, है ना? उसकी गलतियां दिखाई देगी जी। क्यों दिखाई देगी पता है आपको? क्यों? क्योंकि आपको आपकी गलती पता नहीं है जी। वो आपको डांटता है, मम्मी डांटती है, पापा डांटते हैं, दादी डांटती है कि दादा डांटते हैं ना, उसको आपकी गलती दिखाई देती है, लेकिन आपको आपकी गलती नहीं दिखाई देती है जी। समझ में आया? जब आपको आपकी गलतियां दिखाई देगी तब फिर आपको गलतियां दिखाई देते फिर आप गलतियों को सुधारते जाओगे, गलतियों को खत्म करते जाओगे, फिर आपका कोई नाम देने वाला होगा, आपको कोई दुख देने वाला होगा नहीं। हाँ, तो सबसे पहले क्या करने का है कि जो भी अपने को कुछ भी बोलता है, डांटता है, समझ में आया, तो वो क्यों अपने को डांटता है वो देखने का जी। तो किस में देखने का? सामने वाले में कि अपने में? अपने में। अपने में देखने का कि सामने वाले में देखने का? क्या गलती तो खुद में देखने का देखी। अपने में देखने का कि सामने वाले में देखने का? क्या चीज देखने? गलतियां तो अपनी देखनी है। तो कैसे दिखाई देगी अपनी गलतियां? कि जब कोई भी अपने को डांटता है तो आप उसको सुनोगे और आप समझोगे तो फिर आपको आपकी गलतियां दिखाई देगी जी। समझ में आया जी?
तो फिर जैसे जैसे आपको गलतियां दिखाई देगी उस तरह से आपकी गलतियां खत्म होती जाएगी, और जैसे गलतियां खत्म होती जाएगी तो फिर मोक्ष का अनुभव आपको होता जाएगा। जी समझ में आया? जी। और पूछो स्वामी। स्वामी जी मतलब अभी जब से मैं सत्संग सुन रहा हूँ रोज रात को मैं नमो रिंत त्रि मंत्र कहता हूँ, उसके बाद दादा भगवान जी मतलब स्वामी का निधि आसन लेता हूँ, फिर प्रतिक्रमण करता हूँ, तो इससे मेरी लाइफ बहुत इजी हो गई, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बस आपका आशीर्वाद बना रहे तो मैं ये करता रहूं, सबके अंदर शुद्ध आत्मा देखता हूं, आपका आशीर्वाद बना रहे। हाँ बहुत आशीर्वाद दादा भगवान को, दादा भगवान बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, और इसके लिए ही आपको ये सब अच्छा लगता है। जी समझ में आया? जी। और मैं दादा भगवान को प्रार्थना कर रहा हूँ आपके लिए कि आपका ये सब विधि करने का, सत्संग में आने का, ये सब बना रहे कायम के लिए। जी। और आप आगे बढ़ो। जी। जय सच्चिदानंद। दीपिकानंद जी बोलिए। आपका भी सत्संग सुनना है। हाँ वो होता रहेगा। हाँ कल आप सुनाना प्लीज। ठीक है 10 मिनट्स के पूरा एक दिन, पूरा एक दिन तो। अच्छा मोनिका जी बोलिए। जय सच्चिदानंद। मेरे भाई का भी एक प्रश्न है। हाँ फिर लेते बाद में, इधर वो रीनम का ले लेते पहले। हाँ जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जैसे कि मैं मुझे ना शर्म आती है उसको डांस, जैसे कि किसी के सामने कुछ भी करते तो उसमें शर्म आती है किसी के सामने, जैसे कि डांस करती हूँ तो शर्म आती है दूसरों से बोलने में। अब मतलब कोई भी व्यवहार में के कोई कोई व्यवहार में डांस, सब व्यवहार में के कोई कोई जगह पे, कोई कोई जगह में। हाँ तो ये जो शर्म आती है ना वो क्यों आती है, कि जो भी अपन करते हैं ना उसके ऊपर अपने को विश्वास जताने का है, क्या करने का है विश्वास जताने। क्या नाम है आपका? रीनम। रीना। रीनम। रीना। रीनम। 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 हाँ अच्छा तो रीनम जो रीनम का जो भी व्यवहार है वो आप वो व्यवहार में आपको कहीं ना कहीं ऐसा है कि ये मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, होगा नहीं होगा, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा कैसा लगेगा, समझ में आया? तो उसके हिसाब से आपको शर्म आती है। तो अपने को सबसे पहले अपने को जो विश्वास रखने का है तो अपने पे विश्वास रखने का है, समझ में आया? और आपको अपने पे विश्वास कब होगा? क्योंकि आप सबका सुनोगे, जो जो भी आपका व्यवहार है उसमें जहां जाते भी गलतियां है वो आप गलतियां देखोगे सुनोगे समझोगे, तो फिर आपका व्यवहार ऐसा परफेक्ट हो जाएगा कि आपको आत्मविश्वास ऐसा खड़ा हो जाएगा अपने पे कि फिर कहीं पे भी आपको शर्म संकोच नहीं लगेगी। शर्म संकोच क्यों होती है कि अपने को अपने पे विश्वास नहीं जता है अभी। जी सर। क्या लगता है आपको कि शर्म तब आती जब हमें अपने आप पे विश्वास नहीं होता है। हाँ अपने आप पे विश्वास जताने का है। अपनी गलतियों को कैसे देखें? अपने आपको आपकी गलती देखने की है। हाँ देखने की है। कौन आपको आपकी गलती कोई बताता है घर में? नहीं। मम्मी नहीं कहती है कि ये गलत किया वो गलत किया? मम्मी कहती है। हाँ तो जैसे वो मम्मी आपको गलती बताती है तो आप फिर उसको क्या करते हो?
उससे मान लेती हूँ। मान लेते हो कि थोड़ा अंदर कुछ होता है? जी सर। अंदर कुछ होता है तो जैसे अंदर कुछ होता है ना, मम्मी कहती है तो अंदर कुछ होता है ना, अंदर चलता है ना वो, वो चलने का बंद हो जाएगा और सुनने का चालू होगा ना, तो फिर मम्मी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी गलतियां दिखाने की। आपको आपकी गलतियां अपने आप दिखती जाएगी। अभी अपने को अपनी गलतियां क्यों नहीं दिखती है कि सबसे पहले तो अपने साथ में जो है, मम्मी है, पापा है, अगर भाई भी है कि बहन है, कोई भी है, तो वो जो दिखाते हैं, वो जो कहते हैं, वो जो गलतियां दिखाते हैं आपको, वो पहले तो समझ में नहीं आती है। वो कब समझ में आएगी? तो जब आप उनका सुनोगे तो वो गलतियां पहले समझ में आएगी, फिर वो जब गलतियां समझ में आएगी तो फिर आपको दूसरे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद को ही आपकी गलतियां दिखने की शुरुआत हो जाएगी। जी स्वामी जी। समझ में आया? जी स्वामी जी। अभी अब मम्मी कुछ कहेगी तो क्या होगा फिर? सुन लूंगी। हम्म, जो मम्मी कहेगी वो सुन लूंगी। सुन लेगी, लेकिन आपको वो स्वीकार नहीं होगा तो? मम्मी ने कहा तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है ना। जी स्वामी जी। तो क्या करोगे तब? पता नहीं है? मुझे नहीं पता। तो पूछो, आगे ये सब पूछो, मैं आपको पूछ रहा हूँ। मैंने जवाब दे दिया तो सुन लेने का ऐसा नहीं है, उसमें भी आपको क्वेश्चन करने का है आगे। समझ में आया? जो सही चीज ऐसी है कि मम्मी को पता नहीं है और मम्मी ने आपको डांट दिया तो क्या करोगे? मम्मा को बोलूंगी कि मम्मा ये गलती मेरी नहीं है। ऐसा नहीं करने का। समझ आया? ऐसा नहीं करने का, मम्मी जो कहती है वो सुनने का पहले। जी स्वामी जी। समझ में आया? फिर जब शांत होते हैं, अच्छे मूड में होते हैं ना जब, तब बात करने की। जी स्वामी जी। तब जवाब नहीं देने का। जी स्वामी जी। और मम्मी कभी सही भी हो सकती है ना? जी स्वामी जी। मम्मी तो मुझे, लेकिन कब सही लगता है? मम्मी डांटे आपको तब सही कब लगता है आपको? क्योंकि मुझे पता चल जाती कि मेरी गलती तो मम्मा से ही होती है। लेकिन कि जैसे कि मैंने कोई गलत कार्य किया तो मम्मा उसे टोकती, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरी गलती है। अगर अगर मम्मी आपको कोई टोकती है, आपको कुछ कहती है, तो उसके पीछे कुछ होगा कि नहीं होगा? उसने उन्होंने कुछ देखा होगा ना कि ऐसे ही कहते हैं? होगा कुछ। आपका कोई व्यवहार देखा होगा ना उन्होंने? जी समझ। तो उन्होंने कोई व्यवहार देखा है, फिर भी अपने को वो स्वीकार होता है, वो व्यवहार भुगते है, वो स्वीकार होता है? जी समझ। तो के अपने को वो जो टोकते है, तो अपने को क्या लगता है कि मम्मी को पता नहीं है, लेकिन कोई ना कोई अपना व्यवहार ऐसा देखा है मम्मी ने, ऐसे ही नहीं टोकते हैं, अपने को लगता है कि मम्मी को पता नहीं है। जी स्वामी जी। समझ में आया? तो मम्मी है कि पापा है, कभी भी गलत होते ही नहीं है। जी स्वामी जी। हर बार सही होते हैं। जी, लेकिन अपने को गलत कब लगता है? कि अपन जो करते हैं, वो जो गलती करते हैं, वो गलती अपन को पता नहीं है कि ये गलत कर रहे हैं, ऐसा पता नहीं है इसके लिए, और आपको ऐसा लगता है कि ये जो मैं कर रही हूँ वो सही है, तब क्या होगा कि आपको आपका व्यवहार सही लगने से मम्मी का जो डांटने का व्यवहार है वो गलत लगेगा। समझ में आती है बात? तो मम्मी का या पापा का, किसी का भी आपको डांटने का व्यवहार है, तो ऐसे ही नहीं डांटते, कुछ ना कुछ आपका देखा है व्यवहार। क्या लगता है?
कि है ना मम्मी पापा ऐसे थोड़ी ना डांटते, उन्होंने कुछ ऐसा देखा होगा इसलिए डांटते हैं। हाँ, और वो जो आपका व्यवहार है वो आपको गलत व्यवहार गलत लगेगा, आपका गलत व्यवहार है वो आपको गलत लगेगा कि सही लगता है? गलत लगता है। गलत लगता है तो आप करोगे ही नहीं। आपका जो व्यवहार है वो आपको गलत नहीं लगता है, वो व्यवहार आपको सही लगता है। सही है, सही लगता है, वो सही है। सही है। समझ में आया? वो आपका गलत व्यवहार आपको सही लगता है उसके हिसाब से आप करते हो, तो तब वहां पे समझने का है कि सही क्या है और गलत क्या है। तब मम्मी को पूछने का है, तब पापा को पूछने का है कि आप मेरे को ये डांटते हो कि बोलते हो तो मेरे को समझ में नहीं आता है, आप मेरे को समझाओ। तो जहां पे भी आपको आपका व्यवहार आपके व्यवहार में डांटते हैं और आपको समझ में नहीं आता है तो पूछ लेने का कि नहीं पूछने का? पूछ लेने का इतना ही व्यवहार करने का है। अगर आपने पूछ लिया तो फिर आपको सही गलत पता चल जाएगा ना? जी समझे। और फिर आप जो 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 सही मानते हो वो सही रहेगा कि गलत हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हाँ। आप जिसे सही मानते हो वो गलत हो जाएगा, समझ आया? और अपन जिसे जो गलत मानते थे वो सही हो जाएगा, और सही मानते थे वो गलत हो जाएगा। और फिर अपन किस तरह से चलेंगे कि जिस तरह से मम्मी पापा कहते हैं उस हिसाब से फिर चलेंगे। तो आपको जहां पे भी लगता है कि ये व्यवहार में मम्मी गलत है कि पापा गलत है तो पूछ लेने का। क्या करने का? पूछ लेने का कि मेरे को समझ में नहीं आता है, आप बताओ। जी समझ। आ गया समझ में? जी समझ। पूछो। जय सच्चिदानंद। अशोक जी। हाँ अरिष्ट, फिर लेते हैं आपका। अशोक जी बोलिए। अशोक जी, अशोक जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए अशोक जी। हाँ मैं बोल रहा हूँ सर। जय सच्चिदानंद। ये एक सूत्र आया था, भगवान किस पर खुश रहते हैं जो सभी के दुख ले लेते हैं और सामने वाले को सुख देते हैं। तो इसे समझाइए सर स्वामी। समझ में नहीं आया। भगवान किस पर खुश रहते हैं जो सभी के दुख ले लेते हैं और सामने वाले को सुख देते हैं। बराबर है। तो ये आपको समझ में नहीं आई ये बात? जी। कि ये जो सुख देना और दुख लेना, वो क्या कहना चाहते हैं कि ये जो अपना रोज का जो व्यवहार है जी, वो व्यवहार में कैसा है कि कोई भी अपने को दुख देता है, कोई भी अपने को दुख देता है तो कब दुख देता है अशोक जी? जी सर। अशोक जी, सामने वाला अपने को दुख कब देता है? जब हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होती तब। नहीं, वो खुद दुखी हुआ है इसके लिए दुख देता है। अच्छा, समझ आया? तो वो जो दुखी है वो दुख आपको देगा तो उसके पास से दुख जाएगा आपके पास। तो हमारे पास तो हमारे ही दुख बहुत है। तो इसके लिए तो बात करी है कि वो जो दुखी है उसके हिसाब से वो इतना दुखी है कि अपना दुख कम करने के लिए आपको देता है।
अब आपके पास ऐसी समझ है अशोक जी, आपके पास ऐसी समझ है कि आप आपको समाधान दे सकते हो, आप अशोक जी को समाधान दे सकते हो, समझ में आया? तब क्या होता है कि उसका दुख तो आपके पास आता है लेकिन वो दुख आपको असर नहीं करता है जी। क्यों? तो कि आपके पास समझ है और समझ के हिसाब से आपके पास समाधान है जी। समझ में आया जी सर? तो ऐसी बात है, ये जो जो किसी का दुख लेने का मतलब क्या है कि कोई भी इंसान है तो दुख कौन देगा, तो कि खुद दुखी है और अपनी समझ ऐसी है तो के अपने पास दुख आएगा तो दुखी नहीं होंगे। अच्छा एक दूसरा क्वेश्चन और है सर। हाँ, अपने को संभाव से निकाल करना है, ऐसा सिर्फ भाव ही करना है, भावना ही पुरुषार्थ है, बराबर है, आज्ञा पालन है। हाँ, निकाल प्रारब्ध स्वयं के हिसाब से अधीन, स्वयं के हिसाब से होता है। हाँ, तो इसमें मतलब अपन को तो भावना करनी है, प्रारब्ध में जो होगा जो हो जाएगा, यही यही कहना चाह रहे थे। हाँ, मतलब क्या है कि आपको ये जो आप भाव करते हो ना जी, तो ये भाव किसको पहुंचते हैं, तो कि आपके अंदर जो परमात्मा दादा भगवान जो बैठे हैं जी, उनको उनके पास आपकी भावना पहुंचती है जी। तो वो भावना के हिसाब से जब भी संजोग आता है जी, तो कि वो आपकी जो भावना है और जब संजोग आता है तो आपकी भावना के हिसाब से आपके अंदर समाधान होता है जी। तो आपको क्या करने का है कि कुछ करने के लिए नहीं जाने का है, अगर आप कुछ संभव करने के लिए कुछ करने के लिए गए तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? के सामने वाला जो है तो के वो निरंकारी नहीं है, अहंकारी है, अहंकारी है, समझ में आया? और आप समाधान करने के लिए जाओगे तो उसको क्या होगा कि देखो पहले मैं समझाता था, अभी तो समझा नहीं, अब आया ना लाइन पे, समझ में आया? तो अपने को क्या करने का है, तो कि सिर्फ भावना करने की है और आपके अंदर जो दादा भगवान है, आपके अंदर जो परमात्मा स्वरूप है, वही सामने वाले के अंदर है जी। तो कि आपकी जो भावना है तो आपको भी पहुंचती है और सामने वाले को भी वो भावना पहुंचती है जी। समझ में आया? तो इस तरह से काम होता है। तो मतलब प्रारब्ध तो अलग चीज हो गई और भाव अपनी भावना अलग हो गई। हाँ, प्रारब्ध जो है वो क्या है, वो आता है, प्रारब्ध जो है वो फल स्वरूप आता है। वो तो अपने पिछले कर्मों के हिसाब से आया, पिछले कर्मों के हिसाब से प्रारब्ध आया। हाँ, लेकिन आपके पास कैसी समझ है उसके हिसाब से प्रारब्ध आपको असर करके जाता है जी। जी जी, ठीक ठीक, बिल्कुल समझ में आपको। आपको 10 रुपये का नुकसान हुआ वो भी प्रारब्ध के हिसाब से हुआ है जी। आपको 1,00,000 रुपये का नुकसान हुआ वो भी प्रारब्ध के हिसाब से हुआ है। आपको 1 करोड़ का नुकसान हुआ वो भी प्रारब्ध के हिसाब से हुआ है जी। लेकिन आपके पास समझ है तो आपको 1 करोड़ के नुकसान में भी आपको इतनी असर नहीं करेगी, लेकिन आपके पास समझ नहीं है तो 10 रुपये का नुकसान भी आपको चैन नहीं लेने देगा। ठीक ठीक बात, समझ में? तो All right, sir. तो ये जो प्रारब्ध है वो आता है और जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अपनी समझ है वो ऐसी पक्की चीज है, वो आने जाने वाली नहीं है जी। जी जी, और पूरा फेस करती है जी। और आप और प्रारब्ध के कर्म जो है उसमें से आपको मुक्त करती है जी। जी, बहुत अच्छा। आप भुगतने में अभी समझो कि प्रारब्ध आया और आपके पास समझ नहीं है तो आपको उसकी भुगतान लगती है, भुगतान, मेरे को भुगतना पड़ा, भुगतना पड़ा, भुगतना पड़ा जी। जी, और आपके पास सही समझ है तो उसकी भुगतान ही नहीं लगेगी आपको, मैंने भुगता, बिल्कुल, इतनी बड़ी बात है।
बिल्कुल बिल्कुल, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। चलो आ रहा हूँ, कहाँ गए? जय सच्चिदानंद स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न है कि बुद्धि का अच्छा विकास कैसे हो? बुद्धि का अच्छा विकास, अच्छा विकास कैसे हो? तो बुद्धि का अच्छा विकास कैसे होगा? जो आप, आपके पास बुद्धि है उसका सही प्रयोग करोगे तो, अगर आपके पास अच्छी समझ है, अच्छी बुद्धि है, लेकिन किसी को दुख देने में उसका उपयोग करोगे तो आपको बुद्धि का विकास नहीं होगा। समझ में आया? अपन जैसे बच्चे तो क्या करते हैं कि कोई सो रहा है तो उसको उसको परेशान करने में मजा आता है कि नहीं आता है? बोला ना, आता है ना। तो ये क्या हुआ? तो कि आपके पास बुद्धि है, बुद्धि के हिसाब से आपने उसको परेशान किया, लेकिन बुद्धि का गलत प्रयोग किया आपने, गलत उपयोग किया। तो जहां पे भी आपकी, आपके पास बुद्धि है लेकिन किसी को दुख हुआ है वो बुद्धि से, तो वो बुद्धि का आपके, आपको विकास नहीं होगा। समझ में आया? और वो बुद्धि से किसी को भी सुख हुआ तो बहुत ज्यादा विकास होगा आपका। जी स्वामी, जी स्वामी जी। समझ में आया ना? क्या नाम है तुम्हारा? अरिष्ट। अरिष्ट, जोर से बोलिए। अरिष्ट, 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 अरिष्ट। हाँ, बहुत अच्छा, समझ में आ गया ना? और समझो आप, अच्छा समझो, और समझो आप, अच्छा। इसमें क्यों नहीं समझ में आया? क्या समझ में नहीं आया? हाँ, समझ में आ गया है। अच्छे तरीके से इस्तेमाल कैसे करें? अच्छी तरीके से इस्तेमाल कैसे करें? अभी अभी आपके हिसाब से किसी को दुख होता है कि नहीं होता है? होता है, दीदी को बहुत दुख देता हूँ, परेशान करता हूँ, दीदी से लड़ाई झगड़ा करता हूँ बहुत। आप लड़ाई झगड़ा करो, इसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़ाई झगड़ा करो लेकिन किसी को दुख नहीं होना चाहिए। समझ में आया? अपने पास तरीका है कि कुछ भी काम, कुछ भी करने का तरीका है, लेकिन वो तरीके का उपयोग से किसी को दुख नहीं होना चाहिए। अरिष्ट, समझ में आता है? जी स्वामी जी। हाँ, अगर किसी को दुख होगा तो फिर आपकी जो बुद्धि है उसका विकास नहीं होगा, उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, आपकी भी आपकी बुद्धि कम हो जाएगी। खेलने में मन ज्यादा लगता है, पढ़ाई में। जो भी चीज का आपने गलत इस्तेमाल किया, जैसे आपके, आपको आंख मिली है। हेलो हेलो, नेटवर्क चला गया। हिरेनारायण जी। हाँ जी, हिरेनारायण जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ओके, तो चले गए। खुशी, अहमदाबाद से, जय सच्चिदानंद, बोलिए। स्वामी जी बोल, न्याय का अर्थ क्या होता है? न्याय का अर्थ क्या होता है आपको? हाँ। आपको न्याय, आप न्याय किससे, किसो, कैसे, ये क्वेश्चन कैसे खड़ा हुआ आपको न्याय का? स्वामी जी, आपके अब आपकी आवाज आ रही है। स्वामी जी, तो अपन बुद्धि को एक तरफ से सुख दे, मतलब अपन सुख दे और दुख दे दोनों दे, तो फिर बुद्धि का विकास होगा या नहीं होगा? जी, जहां जहां पे भी आपने दुख दिया उतना विकास आपका कम हो जाएगा। फिर हमने वापस से सुख दे दिया, तो वापस से सुख दिया, लेकिन वो तो आपके पास आपकी मुड़ी है, जैसे आपके पास पैसे है, जी। पैसे का आपने खर्च आपके काम के लिए खर्च किया, समझ गया, तो वो चीज आपको मिलेगी ना, उसके सामने चीज मिलेगी ना आपको, जी। लेकिन वो जो जो पैसे है, बाकी के पैसे है, आपके पास 100 रुपये है,
तो आपने 50 रुपये का उपयोग आपके काम के लिए किया और 50 रुपये का उपयोग आपने फेंक दिया तो क्या होगा? नुकसान होगा। बस तो जितना आपने आपने उपयोग किया उतना फायदा है और उपयोग नहीं किया उतना नुकसान है। जी। और अगर अपन नहीं सुख दे नहीं दुख दे तो क्या होगा? नहीं कुछ कुछ ना कुछ तो देंगे ही आप। जी समझ में आया? जी सुख नहीं दे दुख दे नहीं ऐसा नहीं होता है। कोई भी व्यवहार होता है मम्मी के साथ होगा पापा के साथ होगा दादी के साथ होगा कुछ ना कुछ व्यवहार होगा तो कहीं ना कहीं सुख और दुख का व्यवहार होता है। लेकिन ये जो बात कर रहा हूँ वो बुद्धि के उपयोग से बात कर रहा हूँ। जी समझ गया कि आपके पास दिमाग है वो दिमाग आपने चलाया और वो चलाने के हिसाब से किसी का काम बन गया किसी का काम बन गया जो काम उसका रूप गया हुआ काम बन गया वो आपको बहुत फायदा करता है। जी समझा। और बुद्धि का दुरुपयोग किया कि किसी का काम बन गया है लेकिन आपके पास दिमाग है तो वो दिमाग के हिसाब से आपने उसका जो काम बन गया था उसको बिगाड़ दिया आपके दिमाग से। जी तो उससे बहुत नुकसान होता है। जी अब समझ में आया? जी स्वामी। हाँ। स्वामी जी मेरे भाई का एक और प्रश्न है। पूछे ना बोलना। पढ़ाई में मन कम लगता है। स्वामी जी मेरा पढ़ाई में कम मन लगता है और खेलने में ज्यादा लगता है। तो कोई बात नहीं लेकिन आपको पढ़ाई में कम मन लगता है ना? और तो क्यों कम लगता है कि जैसा आपको खेलने में जो अच्छा लगता है ना तो वही अच्छा पढ़ने में किस तरह से है उसको समझना पड़ेगा। आप समझाइए। आप समझाइए ना। तो जैसे आप खेलने के लिए जाते हो तो खेलने के लिए क्यों जाते हो? मजा आता है मनोरंजन होता है। समझ में आया। तो उसमें जो मजा आता है खेलने में तो अपने को पढ़ाई में सोचने का है कि जैसा मजा अपने को खेलने में आता है वैसा मजा मेरे को पढ़ाई में किस तरह से आएगा। जी जी वो सोचने का है आपको। जी तो कोई भी चीज है उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा ही है कि नहीं है? है। क्योंकि आपको जब पढ़ाई में क्या क्या अच्छाइयां है वो आपको जब समझ में आएगी तो फिर आपको पढ़ाई में भी इतना बहुत मजा आएगा आपको। जी लेकिन पढ़ाई में शुरुआत में जब करता हूँ तो बहुत मजा आता है कि मजा आ रहा है अभी तो फिर आधा घंटा होता है लगता है क्या है यार एक ही एक चीज क्या है मेरे को नहीं पढ़ना मैं थोड़ी देर खेल के आ रहा हूँ फिर याद ही नहीं होता पढ़ना फिर पूरे टाइम खेलते रहता हूँ तो उस टाइम क्या करना। तो आपको पढ़ाई में मजा कैसे आएगा कि जिस तरह से आप अलग अलग खेल में खेलते हो ना आप रोज एक ही खेल खेलोगे तो मजा आएगा? नहीं नहीं आएगा। उस तरह से पढ़ाई में भी समझो कि आपने आधा घंटा हुआ और आपको लगता है कि भाई ये चीज आधा घंटा किया अब मजा नहीं आता है तो पढ़ाई में दूसरी चीज करने की। जी क्या बताया? मतलब कि अपन स्पोर्ट दूसरा खेलते रहते पहले क्रिकेट बैडमिंटन वैसे सब्जेक्ट भी चेंज करते रहना हिंदी मैथ इंग्लिश साइंस। हाँ खेल में भी ऐसा है कि आप एक खेल खेलते रहोगे तो मजा नहीं आएगा। जी समझ में आया। उसी तरह से पढ़ाई में भी आपको एक सब्जेक्ट थोड़ा पढ़ोगे फिर जैसे आपको लगता है कि अब नहीं मजा आता है तो दूसरा सब्जेक्ट ले लेने का। जी समझ में आया। तो उस तरह से और आपको जब पढ़ाई की अच्छाइयां पता लगेगी कि इसमें कितनी बड़ी बात है वो जब समझ में आएगी आपको तो फिर आपको खेलने का याद भी नहीं आएगा। जी कि ये जो पढ़ाई है वो कितनी बड़ी चीज है वो अपना कितना बड़ा काम निकालेगी अपने को जीवन में कैसे कैसे काम में आएगी पढ़ाई काम। जी वो समझने का है। वो जब समझ में आएगा तो आपको लगेगा कि ये खेल तो कुछ है नहीं इससे तो कुछ फायदा नहीं होगा फायदे वाली चीज तो ये है पढ़ाई है।
स्वामी जी तो अपन ये तो अपन नॉर्मल डेज में कर सकते हैं कि सब्जेक्ट चेंज करे, लेकिन एग्जाम में तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, तो उस टाइम क्या करना? देखो आपने रूटीन में जिस तरह से पढ़ाई की है ना जी, और सब्जेक्ट को जिस तरह से समझ लिया है जी, तो जी, फिर आपको जब एग्जाम होगी ना तो वो सब्जेक्ट का टेंशन नहीं रहेगा जी। अभी क्या होता है, सब्जेक्ट का टेंशन क्यों होता है कि आपने जो सब्जेक्ट है उसको पूरा पूरी तरह से समझा नहीं है, पढ़ा नहीं है, तब आपको एग्जाम में टेंशन रहेगा कि क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे जी। अगर आपने रूटीन में आपकी जो पढ़ाई है रूटीन में सब सब्जेक्ट जो है आपके पास वो सब्जेक्ट सब सब्जेक्ट को एक ही तरीके से बैलेंस करके समझा है जी, तो फिर कोई भी सब्जेक्ट की एग्जाम आएगी ये आपको पता भी नहीं है और कल एग्जाम होगी ना और आप बैठ जाओगे तो भी आपको टेंशन नहीं रहेगा, आपको लगेगा कि मेरे को सब आता ही है जी। जी स्वामी जी आपका आशीर्वाद बना रहे। हाँ, जय सच्चिदानंद। समझ में आ गया रे जी? जय सच्चिदानंद। चलो खुशी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। न्याय એટલે શું? न्याय એટલે આ न्याय શબ્દ ક્યાંથી તું લાઈ? ये कहां से लाए न्याय शब्द? मैं सीरियल में जोड़ दो। आपको हिंदी बोलने का है, नहीं आता है? आता है ना। हाँ तो हिंदी में बात करने की तो सबको पता चलेगा ना। हाँ तो ये जो न्याय है अन्याय है तो पहले उसका और समझ लेने का है कि जो न्याय क्या है कि अपने को जो लगता है अपनों ने जो किया है तो उसके हिसाब से अपने को लगता है कि ये सही है और ये गलत है, तो कि न्याय अन्याय कहाँ से खड़ा होता है कि सही गलत से खड़ा होता है। खुशी हाँ अच्छा। और इसमें आपको न्याय अन्याय में मेन तो क्या है कि क्या जानने का है उसमें, कि न्याय अन्याय के लिए तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हाँ। क्या जानना चाहते हो आप वो बताना पड़ेगा। न्याय की डेफिनेशन क्या होती है? कि न्याय मतलब क्या है कि जो मेरे को सही लगता है हाँ उसको अपन न्याय कहते हैं और अपने को सही लगता है उसको अपन अन्याय कहते हैं। अच्छा। और उसकी डेफिनेशन हर एक के लिए अलग अलग है। बराबर। समझ में आया खुशी? हाँ। आपको जो लगता है कि मैंने ये किया वो सही है और कोई बोलेगा कि तुमने किया वो गलत है और उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगी हाँ। तो आपको क्या लगेगा? मुझे नहीं। आपने जो किया है आपने जो किया है उसके हिसाब से आपको लगता है कि मैं सही हूं, फिर भी आपको पनिशमेंट मिलेगी तो आपको क्या होगा? दुख होगा। अन्याय लगेगा। अन्याय हुआ मेरे साथ। हाँ मेरे साथ अन्याय हुआ। समझ में आया? हाँ समझ में। न्याय अन्याय क्या है कि अपने को जो सही लगता है उसको अपन हाँ। समझ में आया? लेकिन न्याय अन्याय किस तरह से है कि न्याय अन्याय किस तरह से है कि अपनी तरह से सही हो ऐसा नहीं है, लेकिन अपने साथ व्यवहार में जो भी जुड़ा है वो सबके हिसाब से वो चीज सही होती है उस तरह से न्याय अन्याय बनता है। अच्छा। हाँ तो और कभी भी व्यवहार में अपने को लगता है सही लेकिन अपनी दृष्टि से अपन देखते हैं इसके लिए वो सही लगता है लेकिन सबके हिसाब से वो सही नहीं होता है। समझ में आया खुशी? हाँ हाँ गया। हाँ तो कभी भी आपका जो व्यवहार है उसमें हाँ। न्याय और अन्याय नहीं ढूंढने का, क्या ढूंढने का
कि मैंने जो काम किया है, मैं जो कर रही हूं, उससे किसी को दुख हुआ कि नहीं हुआ? भैया किसी को दुख हुआ? आप आपके हिसाब से आप बिल्कुल सही है, लेकिन आपके हिसाब सही होने के बाद भी किसी को दुख होता है तो वो तो न्याय लगता है, लेकिन न्याय नहीं है, अन्याय है। समझ में आया? तो देखने का अपने को क्या है कि न्याय अन्याय नहीं देखने का है। मैंने जो किया उससे किसी को दुख नहीं होता है ना, बस इतना देखने का है। हाँ। समझ में आया? क्योंकि कई सारी चीज ऐसी है, कई सारी चीज ऐसी है कि जिसमें आपको लगता है कि मैं सही हूं। ऐसा होता ही है। बोल, घर में क्यों ऐसा होता है सबके साथ? घर में मम्मी को बोलना पड़ता है, बहन को बोलना पड़ता है, पापा को बोलना पड़ता है। क्यों बोलना पड़ता है? कि आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो किया वो सही है। सही है वो जो सही है वो आपके हिसाब से सही है, सबके हिसाब से सही नहीं है। तो अपने को न्याय नहीं ढूंढ पाता कि इसने मेरे साथ गलत किया, अन्याय नहीं ढूंढने का अपने, तो इतना देखने का कि मेरे व्यवहार से मैं जो कर रही हूं तो सबको सही लगता है कि मेरे को सही लगता है। सबको सही लगना चाहिए, सबको सही लगना चाहिए, किसी को दुख नहीं होना चाहिए। समझ में आया? हाँ, नहीं तो ये आपको आपको सही में न्याय मिलता है, लेकिन आपको लगेगा मेरे साथ अन्याय हुआ। हाँ। और ऐसा स्कूल में भी होगा और घर में भी होगा आपको। हाँ। स्कूल आप जो एग्जाम देते हो आपको लगता है कि मैंने सही लिखा है। हाँ। लेकिन टीचर उसके पूरे मार्क्स नहीं देते हैं तो आपको क्या लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ। हाँ। लेकिन वो जो आपको लगता था कि सही है, लेकिन टीचर के हिसाब से सही होना चाहिए कि आपके हिसाब से सही होना चाहिए? टीचर के हिसाब से सही होगा। टीचर के हिसाब से सही होगा तो उन्होंने न्याय किया कि अन्याय किया? न्याय किया। हाँ, और आपको क्या लगेगा? उन्होंने कम मार्क दिया तो आपको अन्याय लगेगा। तो वहां पे क्या करना है? जहां पे भी अपने को लगता है कि अन्याय हुआ मेरे साथ, तो अन्याय नहीं सोचने का। आपको क्या सोचने का कि मैंने क्या गलती करी? हाँ। मेरी कहाँ पे गलती हुई? आप जब जब से आपने गलती आपकी गलती ढूंढने की शुरुआत करी, वहां से आप न्याय अन्याय देखने का बंद कर दोगे। हाँ। जहां तक आपने आपकी गलती देखने की शुरुआत नहीं करी है वहां तक आप न्याय ढूंढोगे अन्याय ढूंढोगे, लेकिन कहीं पे भी आपको न्याय और अन्याय का सही समाधान नहीं मिलेगा। क्यों? कि आपको आपकी गलती पता नहीं है। हाँ। समझ में आया? आगे से मैं हाँ। और पूछो, इसमें कुछ पूछना है? नहीं। आखिर का सवाल। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। किसी को प्रश्न है तो बोलिए। बंसल साहब। रमेश जी, एक मिनट, रमेश जी कुछ बोल रहे हैं। बोलिए रमेश जी। दीपक आनंद जी। ओके, रमेश जी कुछ बोल रहे हैं। रमेश जी अनम्यूट करो। जय सच्चिदानंद। बोलिए रमेश। क्रिया शक्ति और भाव शक्ति क्या है? क्या? क्रिया शक्ति और भाव शक्ति क्या है? क्रिया शक्ति और भाव शक्ति कहाँ से लाए आप? हाँ, कहाँ से लाए? क्रिया शक्ति और भाव शक्ति, भाव तो मनुष्य से लाए। हाँ।
क्रिया तो मतलब जो करते हैं कर्म उससे आई है। कहाँ से आपने पढ़ा, किस में ये? इसमें पढ़ा। किसमें पढ़ा? हाँ, कहाँ से लाए? कहाँ से लाए? ये तो दादाजी की किताब में पढ़ा था हमने। ये तो समझना पड़ेगा कौन से हिसाब से उन्होंने बताया है। ये भाव कर्म नहीं, आप जो आपको उसका रेफरेंस देना पड़े। हाँ, मैं पढ़ा दे दो। क्रिया और भाव का आपको बता दू। हाँ, जो क्रिया है वो आप, जो क्रिया है वो आप लेके आए हैं, वो प्रारब्ध कर्म है। हाँ, और जो आप अभी जो भाव करते हैं, हाँ, समझ में आया, जो ये नव कर्म में भाव करते हैं। हाँ, ये विधि है त्रिमंत्र नमस्कार विधि नव कर्म शुद्धात्मा के प्रति। हाँ, ये जो दादा भगवान का असीम जयकार रोहित जो सब करते हैं, जिस तरह से भाव, ये भाव के साथ जो करते हैं वो पुरुषार्थ है, और आप जो लेके आए है क्रिया वो प्रारब्ध है। अच्छा, मन से दूर कैसे हूं? है मन से दूर? मन से मन से दूर नहीं होने का है। अच्छा, मन से दूर आपको क्यों होने का मन होता है? क्योंकि आपका मन आपको परेशान करता है। हाँ, समझ में आया। ये जो परेशान करता है, ये परेशान ना करे इसके लिए क्या करने का है, ऐसा पूछो। अच्छा, आप तो दूर जाने की बात करते हो। तो क्या है, ये जो मन है वो परेशान क्यों करता है? कि मन को आपने समाधान नहीं दिया है। समाधान दो। आपको दादा भगवान के पास से जो सही समझ मिली है, समाधान कैसे हो? मन को समाधान कैसे मिलेगा रमेश जी? हेलो, चले कट हो गया। ठीक है, आप त्रिमंत्र बुला दो क्योंकि टाइम हो गया है। नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो लोये सवसाहुणम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सवपावप्पणासनो, सवपावप्पणासनो, मंगलानं च सवेसिं, मंगलानं च सवेसिं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय।